बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मसूद अतारी यूट्यूब चैनल की जानिब से आपकी बारगाह में रमज़ान शरीफ की 11वीं और 12वीं रोज़े की दरमियानी रात को बाद इशा किया जाने वाला वजीफ़ा। वीडियो को मज़ीद आगे ले जाने से कबल आपकी बारगाह में गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर फरमाना ना भूलिएगा। ना चिल्ला, ना मुजाहदा, ना मुशक्कत, सिर्फ 12 नवाफिल, चट मंगनी पट वया, रिजक बारिश की तरह बरसे, कर्ज़ों के पहाड़ ख़त्म। ये 12 नवाफिल आपकी किस्मत बदल सकते हैं। रिश्तों की रकावट, रिज्क में वसअत, बरकत, इजाफे और कर्ज़ों से निजात के लिए रमज़ान शरीफ की 11वीं और 12वें रोज़े की दरमियानी रात को बाद इशा दो दो रकात करके 12 नफल इस तरह पढ़ें कि हर रकात में सूरतुल फातिहा के बाद एक बार सूरह इखलास पढ़ें। 12 नफल पढ़कर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर तमाम नफल और दुरूद शरीफ का सवाब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को पहुँचाएँ और फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह ताला के हुजूर गिर गिरा कर खुलूस दिल, इनकिसारी, आजजी से कम अज़ कम 15 मिनट तक दुआ करें। यह नहायत ही आजमूदा वजीफ़ा है। आप यकीन जानिए, इस वजीफ़े के पढ़ने की बदौलत बड़ी उम्र की लड़कियां जो अपनी शादी से ना उम्मीद हो गई थी, अल्लाह के फजल से उनकी भी शादियाँ हो गई हैं और अपने घरों में खुश व आबाद हैं, हर साल भी कर सकते हैं। इस वजीफ़े की इजाज़त आम है। दुआ में अपना नाम शामिल कराने के लिए कमेंट ज़रूर फरमाइएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।